हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। आज हम बात करने वाले नॉन डिस्पोजेबल डायपर यानी क्लोथ डायपर के बारे में। इस डायपर के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। ये क्या होता है, इसे कैसे पहना जाता है, इसे कैसे वॉश किया जाता है, क्या हम पूरी तरह से क्लोथ डायपर पर डिपेंड कर सकते हैं या फिर हम पार्शली उस पर डिपेंड कर सकते हैं, क्या ये इकोनॉमिकल है, ये सब कुछ आपको जानने के लिए आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका 99% डाउट अबाउट क्लोथ डायपर आपका फुलफिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ क्लोथ डायपर। क्लोथ डायपर एक रीयूजेबल डायपर होता है जिसमें अगर बच्चा पी या पूप कर देता है तो आप उसे वॉश करके फिर से बच्चे के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, कितने तरह के डायपर होते हैं। डायपर इसमें भी 2-3 तरह के आते हैं और उसके टाइप्स उसके इंसर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। मैंने 3 तरह का डायपर लिया था जो मैं आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करूँगी, पर मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। एक ये था, एक इस तरह का था, एक ये मैंने ग्रीन डायपर से खरीदा था और ये मैंने सुपर बटन। ये दो ब्रांड्स एक्चुअली बहुत पॉपुलर है क्लोथ डायपर के लिए। ये 3 डायपर मैंने लिया था और ऐसे ही मैंने इन्हीं सब ब्रांड्स के भी मैंने और सब भी डायपर लिए थे। इसको इन तीनों के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनकी खासियत है, ये मैं वीडियो में आगे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि कैसे आप डायपर्स के साइज़ को डिसाइड करेंगे। अगर आप बच्चे के लिए डायपर लेते हैं क्लोथ डायपर, तो उसे कैसे साइज़ डिसाइड करते हैं। तो एक चार्ट आता है जो आप कोई भी डायपर को सर्च करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर आपके लिए दिखा दूँगी। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट कि आप उसे देख लें। डायपर्स एक्चुअली 5 kg से लेकर 17 kg तक के बच्चे के लिए आता है। यानी मिला जुला कर आप 3 महीने से लेकर 3 या फिर न्यू बॉर्न से भी लेकर आप 3 साल तक के बच्चे को डायपर पहना सकते हैं, एक क्लोथ डायपर का यूज़ कर सकते हैं उन्हें पहनाने के लिए। अब इसमें साइजेस कैसे होते हैं, तो ये देखिए, अगर मैं इस डायपर को लेती हूँ तो इसमें आप साइजेस के लिए डायपर यूज़ कर सकते हैं। डैट इज़ द सी। नाउ मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये दिस इज द मैक्सिमम साइज़ ऑफ द डायपर। अगर आपको उसको छोटा करना, तो ये जो बटन है इसको लेकर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप इसे टाइप कर, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का बनता है ये डायपर। अगर आप इस बटन को इस बटन पे जाके टच करते हैं तो ये इसे थोड़ा मिडिल साइज़ का ये बनता है डायपर। अगर आप पूरी तरह से खोल देते हैं तो ये लार्ज साइज़ का डायपर ये बनता है। अब ये हुए डायपर को आप कैसे बेबी को पहनाएं। अगर आप डायपर पूरी तरह से बेबी को पहना देते हैं तो आपका यहाँ पे 1 finger का डिस्टेंस होना चाहिए पूरे डायपर में, कि आप आराम से अपना 1 finger इजीली यहाँ पे रोल कर सके उसके वेस्ट लाइन पर। 28 में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, पूरी टाइटली होने ये टाइट होना चाहिए बेबी के थाइस पे, इस बात का आप इंश्योर करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, मैं इसका एक चार्ट भी दे दूँगी और वो उसमें आप देख लोगे कि कितने केजी के बच्चे को कितना के कौन से बटन से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू वॉश अ डायपर। सो आप डायपर को कैसे वॉश कर सकते हैं। डायपर को वॉश करना, वो कैसे वॉश किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डायपर वॉश अगर आप ढंग से ना करें इस क्लोथ डायपर को, तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है, ये जो इतना लंबा ये चल सकता है, वो उतना लंबा नहीं चल सक पाएगा। इसमें टीयर होने की संभावना हो सकती है। जो बैम्बू फाइबर्स है जो पी को अब्जॉर्ब करते हैं, उसके भी लेयर्स में डिस्टर्बेंस आते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक इंसर्ट। ये आपको हमेशा डायपर में इंसर्ट्स मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी लाइव की कैसे या आप इसे करें। और इसे अगर आप इस तरह से आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या इंसर्ट्स का हाल होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले आपका ये इंसर्ट है, अगर बच्चे ने पी कर दिया है तो एक ये वर्टिकल साइज़ है और ये एक हॉरिजॉन्टल साइड है। कभी भी आप हॉरिजॉन्टल साइड से इसे वॉश ना करें। सबसे पहले एक पानी ले, उसमें थोड़ा सर्फ दे, सर्फ को अच्छी तरह से भिंगो ले ताकि सर्फ के कण जो होते हैं वो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए 10-15 minutes सोक कर दे। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा रब करें, तो इस तरह से रब ना करें बल्कि रब करें तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं ना कि बल्कि वर्टिकल साइड से रब करें। एक बार जब आप रब कर दें तो इसे फिर से दूसरे बकेट में सोप, जैसे जैसे आपने पहले सोप सॉल्यूशन बनाया था वैसे ही सोप सॉल्यूशन बना के उसे डाल के थोड़ी देर रख के उसे एक साफ़ पानी से धो लें। अगर आप ऐसा ना करते, इस तरह से रब ना करके अगर आप वर्टिकली रब करते हैं, तो आपके डायपर की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है।
आप देख सकते हैं, मैं फोकस कर देती हूँ, इससे टॉर्न हो जाता है पूरा डायपर और इसके अंदर के सारे जो लेयर्स होते हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो नेवर नेवर रब द डायपर्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल साइड, नॉट लाइक दिस। ये हो गया आप किस तरह से वॉश करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप डायपर को कभी भी डिटॉल या एंटीसेप्टिक से नहीं वॉश करें, क्योंकि ये इट इज़ नॉट अलाउड। इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप डायपर को आप सुखाने जाते हैं तो डायपर हमेशा ही इस तरह से वर्टिकली आप ऐसे प्रेस रखोगे और इस पे ऐसे आप क्लोथ पिन लगाओगे। पूरी तरह से डायपर इस तरह से रहना चाहिए वर्टिकली, कोई भी डायपर का हो, इंसर्ट्स भी हो, तो इस तरह से आप इसे ड्राई करोगे इन अ सन ड्राई। मैं यहाँ पे मशीन वॉश भी आप कर सकते हैं डायपर को, पर मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगी कि आप मशीन वॉश करें, क्योंकि मशीन वॉश में वो किसी तरह से भी स्पिन होकर सूखते हैं, वो उसके पूरे फाइबर्स यहाँ पे रपच्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये हुआ वॉश करने का तरीका क्लोथ डायपर को। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि मुझे कितने क्लोथ डायपर्स अपने लिए रखने चाहिए अगर हम पूरी तरह से या पार्शली स्विच करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पर डे 4 डायपर्स, क्लोथ डायपर तो आपके लग ही जाएंगे अगर आप फुली अपने बच्चे को डायपर में ही रखते हैं तो, क्योंकि एक डायपर को आप मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स ही रख सकते हैं बच्चे के लिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर 4 डायपर्स आपके पर डे लगते हैं तो आपके पास कम से कम 6 to 7 डायपर्स, क्लोथ डायपर होने चाहिए, क्योंकि इसे सूखने में टाइम लगता है। 2 to 3 आवर्स इसे मिनिमम, एक सन ड्राई इसे चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 डायपर हो, क्योंकि आप पहले दिन अगर 4 डायपर यूज़ भी करते हैं और अगर दूसरे दिन उसे वॉश करने जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा कम से कम 2 डायपर हो, ताकि वो यूज़ होते रहे तब तक जब तक ये पुराने डायपर्स आपके सूख नहीं जाते हैं। ये हुआ कि आपको कितने डायपर्स रखने चाहिए। मैंने 3 तरह के डायपर मंगवाए थे क्लोथ डायपर, जिसमें से पहला ये था, ये 200 से 300 के रेंज में आ गया था, जो इतना भी वॉकेबल नहीं था। इसमें बच्चे के 2 पी के बाद ये वेट हो जाता था। सो आई जस्ट बॉट, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो आई वुड नॉट प्रेफर कि आप इस डायपर को चूज़ करें। दो आपको ये चीप मिलेगा और आपको लगेगा कि आई शुड ट्राई इट आउट, बट यू शुड नॉट बी यूज ट्राइंग दिस डायपर। ठीक है, ये पतला सा आता है प्लास्टिक का और एक इंसर्ट्स मिलते हैं जो बहुत ही हल्का होता है। दूसरा मैंने ये लिया था ग्रीन डायपर से, और ये मैंने सुपर बटन से लिया था। ये दोनों ही डायपर बहुत अच्छे निकले हैं, पर मेरा पर्सनल फेवरेट ये हो गया, क्योंकि इसमें भी थे कि इसमें 2 इंसर्ट्स थे, दोनों लंबे लंबे इंसर्ट्स थे, तो एक का बटन इस तरफ था और एक का बटन इस तरफ था। आप अगर पूरी तरह से डायपर को यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं, पर इसकी इसका डिसएडवांटेज ये था कि आप ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो दोनों इंसर्ट्स पार्शली भींग जाते थे और इससे होता और भी लीक भी होने के चांसेस हो जाते थे। इससे क्या होता था कि मुझे सारे को चेंज एक साथ कर देना पड़ता था। इसकी ये खासियत थी कि आप इसमें एक ये इंसर्ट हुआ, एक बीच में एक बूस्टर छोटा सा इंसर्ट दिया जाता था ये। अब इसको आप इसके अंदर डाल देते हैं, आप अगर इसे प्रॉपरली अंदर डाल देते हैं, ये उसी साइज़ का आता है जितने साइज़ के डायपर है, तो इसे आप प्रॉपरली अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे आप इसे फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, तो फिर आपका पूरा डायपर, तो पूरे अंदर के जो इंसर्ट्स हैं वो पूरी तरह से अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। और इसमें बच्चे का ये डायपर का मिसप्लेस या जगह से हटने की चांसेस कम रहती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये था कि अगर बच्चा पूप कर देता है तो आपका ऊपर का लेयर ही डर्टी होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अंदर के इंसर्ट्स को आपको ज़्यादा वॉश करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये ईजिली वॉशेबल हो जाता है। इसमें ये था कि अगर बच्चा पूप करता है तो ऊपर के लेयर्स में लग जाता है, जिसमें आपको थोड़ा सा भी अगर आप एक्स्ट्रा रब करते हैं तो ये इसको भी रपच्चर करता है, इस इंसर्ट और यू में से या पैड को भी रपच्चर करता है। इसीलिए मैंने ये तीन लिया था ये और मैं, बट मुझे सबसे अच्छा ये वाला ही लगा था सुपर बटन। सो यू कैन गो टू इट, बट यू कैन हैव 1-2, क्योंकि इसकी ये खासियत है कि आप एक बार में एक इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक बार में एक इंसर्ट यूज़ करते हो और आपको बीच में ही पता चल जाता है कि बच इंसर्ट भर रहा है, तो आप इसे तुरंत थ्रो करके दूसरा इंसर्ट बाद में डाल सकते हैं। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट था। नाउ
ये हुआ कि मैंने कितने तरह के डायपर खरीदे थे। नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्या हमें ग्लो डायपर को पूरी तरह से ही डिस्पोजेबल डायपर की जगह पे ले आना चाहिए या मुझे इस पर पार्शली विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजंस बताती हूँ ग्लो डायपर और डिस्पोजेबल डायपर में। सबसे पहली बात, ग्लो डायपर इको फ्रेंडली होते हैं, इसे ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। वहीं पर डिस्पोजेबल डायपर अगर आप डिस्पोज करते हैं तो हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, ये एक ऑर्गेनिक फाइबर या बैम्बू फाइबर ही में इसे उससे बनते हैं, तो इसमें रैश की चांसेस ना के बराबर होती है। इट इज़ लाइक रैश फ्री। डिस्पोजेबल डायपर में आपको फिर भी रैशेस हो सकते हैं। इसका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, जैसे मैंने बताया था मैंने ये दो डायपर्स का जो खरीदे थे ये करीबन 800 to 900 के अराउंड पड़ा था। ये दोनों डायपर्स हमारे 800 to 900 के अराउंड पड़े थे। वहीं पे अगर आप इनिशियल कॉस्ट देखते हैं डिस्पोजेबल डायपर, तो उसके एक पीस का रेट जो होता है वो सिर्फ 10 से 15 रुपये के बीच में, 10 to 15 रुपीज़ के ही अराउंड होता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो क्लोथ डायपर ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको करीबन 6 to 7 डायपर्स की आवश्यकता होगी अगर आप पूरी तरह से क्लोथ डायपर पर डिपेंड करते हैं। तो 6 to 7 डायपर्स को अगर मैं अगर ले लूँ, अगर 6 डायपर्स को मैं ले लूँ और मैं पर डायपर का रेट 1000 रुपीज़ रखूँ तो इट इज़ लाइक 6000 रुपीज़। वहीं पे अगर आप पर डे डिस्पोजेबल डायपर, आप कम से कम 5 डायपर तो यूज़ करेंगे डिस्पोजेबल, और आपका एक करेक्ट मैंने मिनिमम रेट मगर मैं लेती हूँ जो है नहीं अभी डायपर्स का 10 रुपीज़, तो आप पर डे 50 रुपीज़ का डायपर यूज़ करते हैं। इस हिसाब से आप महीने में कम से कम 30 into 50 1500 का डायपर्स यूज़ करते हैं। और अगर आप बच्चे को 2 साल तक डायपर पहनाते हैं तो एक साल में 24 मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स into 1500 कितने, सो एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 12 into 1500 यानी 18,000, यानी 2 साल तक अगर अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं 36,000 का आप डायपर खरीदते हैं। जहाँ पर आपके क्लोथ डायपर अगर आप 6 डायपर्स ले लेते हैं तो आपके 6,000 में काम आते हैं, यानी ये पूरी तरह से आपका 1/3 हिस्सा होता है। दूसरा एक खासियत ये होती है, पॉजिटिव पॉइंट है क्लोथ डायपर की, अगर आप सेकंड बेबी प्लान करते हैं तो आप उसके लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ ट्रैवल फ्रेंडली क्लोथ डायपर ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको उसे वॉश करना और उसे फिर से उसे ड्राई करना डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पर आप डिस्पोजेबल डायपर को ही यूज़ कर सकते हैं। क्लोथ डायपर थोड़े हैवी होते हैं कंपेयर टू डिस्पोजेबल डायपर, बच्चों को थोड़ा लाइट वेट होता है डिस्पोजेबल का, लेकिन क्लोथ डायपर हैवी होते हैं। ये सब चीज़ जानकर आप कम से कम ये सब चीज़ से आप अगर कंपेयर करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा कि आपको क्लोथ डायपर यूज़ करना चाहिए या पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। जहाँ तक मैंने किया था, मैंने क्लोथ डायपर को एक्सेप्ट किया था, मैंने डे टाइम में क्लोथ डायपर का ही यूज़ किया था अपने बच्चे के लिए उसके, लेकिन नाइट टाइम में मैंने डिस्पोजेबल डायपर को ही यूज़ किया था, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिंग क्वालिटी ज़्यादा होती है क्लोथ डायपर से इन एनी केस। सेकेंड, और इस तरह से मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन को ही यूज़ किया था। ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके कोई भी पॉइंट्स आपके लिए यूज़फुल रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ टिप्स एंड टॉक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।